हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद यतिमन। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी हुआ तो बहुत ही जो है वो खुशी की बात है। काफी लंबे टाइम का जो इंतजार है स्टूडेंट का वो समाप्त हुआ। कट ऑफ जो है वो कितनी गई है, सारी चीजें हम चेक करेंगे। इसके अलावा काउंसलिंग के लिए आप लोगों को किस जगह पर जाना है और डेट क्या रहेगी, कब से काउंसलिंग स्टार्ट है, तो वह भी प्रेस नोट जारी हो गया है। तो दोनों ही अपडेट जो आई है, एक रिजल्ट से संबंधित, एक काउंसलिंग से संबंधित, इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं। तो अपना जो है रोल नंबर भी आप अच्छे से देखिएगा, कट ऑफ कितनी गई है वो भी आपको अच्छे से देखनी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ये मेन वेबसाइट है। न्यूज एंड इवेंट में जो है वो आप लोगों को नजर आएगा। यहां पर प्रेस नोट रिगार्डिंग काउंसलिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन 2022 सोशल साइंस। तो यहां पर काउंसलिंग की जो है पूरी डिटेल आपको पता चलेगी, बहुत अच्छे से देखना है। और उसके बाद जो है रिजल्ट जो है वह यहाँ पर जारी हुआ है। तो चलिए सबसे पहले रिजल्ट मैं आपको लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31/8/2023 दो रिजल्ट जारी हुए हैं। एक सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जारी हो चुका है और दूसरा रिजल्ट रीट लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। तो यहाँ पर है माध्यमिक शिक्षा विभाग वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर सामाजिक विज्ञान विषय के पदों हेतु ग्रुप ए का जीके का और सेकंड पेपर था सामाजिक विज्ञान का। रिजल्ट जारी हो गया है। टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र की जो है कितनी कट ऑफ गई है वो हम देखेंगे। रोल नंबर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप देखिएगा। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें आप चेक करेंगे तो आप लोगों को लिंक मिलेगा। उस लिंक को ओपन करके आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना रिजल्ट देखेंगे। 9 पेजों की पीडीएफ फाइल है तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप अपना जो है रोल नंबर देख सकते हैं। तो अभी जो है कट ऑफ मैं आप लोगों को यहां पर बता देती हूं और ये भी आप लोगों को पता चलेगा इस वीडियो में कि काउंसलिंग के लिए आपको किस जगह पर और किस दिन आपको जाना है। टीएसपी एरिया में जो जनरल की कट ऑफ गई है 201.37 गई है और वुमेन कैंडिडेट में जनरल की भी इतनी ही गई है। विडो की 286.93 गई है। जनरल एससी की आप देखें तो 177.06 है, एसटी की 177.06 है। ये है अनुसूचित क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो कट ऑफ गई है। उसके बाद नॉन टीएसपी क्षेत्र की आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी गई है सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान की। जनरल में आप देखें तो जनरल में जो है वोमेन हो या मेल फीमेल दोनों की 294.73 गई है। विडो की थोड़ी कम है 205.56, डिवोर्सी की 245.57। ईडब्ल्यूएस में आप देखें यहां पर 253.59 गई है, यहां पर वुमेन की भी इतनी ही गई है ईडब्ल्यूएस में। उसके बाद एससी में जनरल की 243.59 है और उसके बाद आप देखें वुमेन की यहां पर अलग है 214 है। तो कैटेगरी वाइज जो है यहां पर डाउन होती चली गई है कट ऑफ। एसटी की आप देख सकते हैं यहां पर 218.79 जो है वो कट ऑफ गई है। इसके अलावा डिवोर्सी की यहां अलग है 186.91। नेक्स्ट ओबीसी की अगर आप देखें यहां पर तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी में 294.73 जनरल की गई है, वहीं ओबीसी में 275.90 गई है। और यहां पर वुमेन की जो है वो थोड़ी सी आपको दिखाई देगी, हल्की सी जो आपको कम दिखाई देगी 275.73। एमबीसी की यहां पर देखें जनरल में 253.84 गई है। शहरिया क्षेत्र की जो है यहां पर कोई भी जो है यहां पर नहीं गई है कट ऑफ, यहां पर जो है मिले ही नहीं कैंडिडेट। तो ये जो है रिजल्ट, बाकी 4 अभ्यर्थी जिनका परिणाम रोका गया है तो उनके ये रोल नंबर हैं। नेक्स्ट जो प्रेस नोट जारी हुआ है 31 अगस्त 2023 को, जहां आपको ये पता चल रहा है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कहाँ पहुंचना है। तो यहां पर ध्यान दें, वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 के विषय सामाजिक विज्ञान ग्रुप ए परीक्षा दिनांक 21/12/2022 को हुई और सामान्य ज्ञान परीक्षा आपकी 30/7/2023 को हुई। उक्त विषय की पात्रता जांच हेतु आयोग द्वारा विचारित सूची आज दिनांक 31/8/2023 को जारी की गई है। तो यहां पर जो है वो आपको ध्यान देना है कि आवेदन पत्रों की जांच आयोग द्वारा होगी और काउंसलिंग के माध्यम से जो है आप लोगों को 4 सितंबर से काउंसलिंग जो है स्टार्ट होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग घूघरा घाटी अजमेर परिसर, ये जो है वो आपका एड्रेस रहेगा जहां पर आप लोगों को पहुंचना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और यहां पर लिखा है कि पात्रता जांच से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम, यानी कितने से कितने रोल नंबर तक स्टूडेंट को इस दिन इस समय पर पहुंचना है, तो इसका जो है विस्तृत कार्यक्रम दिनांक 1 सितंबर यानी आज
आज जो है आरपीएससी की जो वेबसाइट है यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। काउंसलिंग कार्यक्रम विस्तृत आवेदन पत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश काउंसलिंग पत्र व अन्य पत्रादि आयोग की वेबसाइट पर यथाशीघ्र जारी कर दिए जाएंगे। तो बिल्कुल आज जो है वो आप लोग चेक करिएगा, और जैसे ही मुझे मेरे पास जो है वो आ जाएगी न्यूज़, मैं आप लोगों को बिल्कुल वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। उपरोक्त दस्तावेज आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर विस्तृत आवेदन पत्र को 2 प्रतियों में स्व प्रमाणित दस्तावेजों के 1 प्रति मूल दस्तावेजों के साथ आयोग द्वारा निर्धारित दिनांक एवं समय पर अभ्यर्थी व्यक्तिशः यानी खुद काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना है। इस हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा अलग से कोई भी जो है आप लोगों को कोई ऑफलाइन पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ जाना है, मेन वेबसाइट पर जो है सारी चीजें चेक करनी है। तो ये रहा रिजल्ट। अगेन स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई जिनका रिजल्ट जारी हुआ है, जिनके रोल नंबर यहाँ पर नजर आए हैं। लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, तो आप लोग अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।